मूवी का स्टार्ट एक लड़के टीहो से होता है जो जेल में है। वो अपनी स्टोरी बताता है कि 2 साल पहले मैं कैसे जेल में आया। वो एक डांस पार्टी में बैठा अपने भाई के साथ ड्रिंक करता है। वहीं इसकी सिस्टर जिसका नाम सूफी होता है उसे अपने साथ डांस करने के लिए ले जाती है। वहाँ कुछ लोगों के साथ इसकी फाइट होती है। ये उनके सारे आदमियों को मार देता है। सूफी इसे मना करती है लेकिन ये उसे धक्का दे देता है। फिर पुलिस इसे पकड़ कर जेल में डाल देती है। 2 साल बाद ये जेल से रिहा होता है। उसी डांस क्लब में आता है। वहाँ इसके फ्रेंड इसका भाई इसे वेलकम करते हैं और इसके लिए डांस पार्टी भी रखी होती है और डांस भी करते हैं। वहाँ इसे सूफी भी नजर आती है जो डांस कर रही होती है। ये उसे अपने साथ जाने को कहता है लेकिन वो इसके साथ जाने से मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तुमने मेरे लिए क्या किया है। यहाँ टीहो और उसका भाई जो हो दोनों एक साथ बैठे होते हैं। टीहो अपने भाई को बताता है कि मैं जेल में भी डांस प्रैक्टिस करता था। जो हो इसे अपना गुरु मानता है क्योंकि टीहो एक बहुत अच्छा डांसर है। वो टीहो से कहता है कि तुम अभी जेल से आए हो, किसी से पंगा मत लेना, तुम गैराज में रहा करो। फिर हो अपनी सिस्टर को मिलने के लिए उसकी शॉप पर आता है जो कपड़े का काम करती है। वो अपनी सिस्टर से माफी मांगता है। दोनों फिर सूफी के फेवरेट सॉन्ग पर डांस करते हैं। ऐसे इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत नाराजगी कम होती है। दूसरी तरफ एक डांस कंपटीशन होता है। सामने कुछ जजेस बैठे होते हैं। एक टीम परफॉर्म करती है। इस टीम में एक डी नामी लड़का चीटिंग करके जीत जाता है और जजेस जाते हुए इसे एक बैंड दे के जाते हैं और इसे एक टीम जिसका नाम ब्लैक टाइगर होता है उसका मेन लीडर बना देते हैं। डी चिन को धक्का देता है। चिन का फादर अमीर आदमी होता है। वो इस लड़के को खरीद लेता है। इधर हॉल लड़कियों को डांस सिखाता है। वहाँ कुछ लड़कियाँ इसे तंग करती हैं और वहाँ की मैनेजर इसे गलत समझती है और वहाँ से निकाल देती है। फिर हो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। ये कंपनी चिन के फादर की होती है। वहीं चिन अपने फादर के साथ गाड़ी से निकलता है और कहता है कि आपने अवार्ड खरीद कर ठीक नहीं किया, क्योंकि चिन का फादर चाहता है कि ये डांस छोड़कर कंपनी में इंटरेस्ट ले। ब्रेक टाइम में लोग खाना खाते हैं और हो अपने डांस की प्रैक्टिस करता है जिसे देखकर सारे खुश होते हैं। वहीं चिन का एक आदमी आके बताता है सर एक आदमी डांस कर रहा है। जब चिन जाके देखता है तो हो को अपने पास बुलाता है। इन उसे कहता है कि मैं एक डांस कंपटीशन के लिए एक डांस टीम बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ये छोड़कर उस डांस टीम में आ जाओ। लेकिन हो इसकी बात को खास सीरियस नहीं लेता। नेक्स्ट एक डांस क्लब में प्रैक्टिस हो रही होती है। चिन भी वहां पर आता है। चिन का पांव थोड़ा खराब होता है क्योंकि डी ने उसे धक्का दिया था, उस वजह से उसके पांव पर चोट लगी होती है। और वहां चिन भी डांस करता है और हो भी इसका डांस देखता है, जिसे देखने के बाद उसे लगता है कि इसके अंदर कोई दम है। हो उसे कहता है कि अगर तुम डांस करना चाहते हो तो पहले अपने पांव को ठीक करो। चिन वहां बैठा होता है। सूफी आती है। वो चिन को एक मसाज क्रीम देती है और कहती है इसे यूज करना, तुम्हारा पांव ठीक हो जाएगा। फिर वो खुद इसके पांव पर मसाज करती है। नेक्स्ट चिन सूफी की शॉप पर आता है। इसका उस मसाज क्रीम से ठीक हो जाता है। वो इसका थैंक्स करता है और इसके बदले वो इसे एक गिफ्ट देता है और जाते हुए इस गिफ्ट में एक लेटर रख जाता है और उस लेटर में लिखा होता है कि मेरी बर्थडे पार्टी है और उस पार्टी में तुम जरूर आना। फिर सूफी अच्छा सा रेडी होकर उस पार्टी में चली जाती है जहाँ सब लड़कियाँ सूफी को देखकर हैरान होती हैं, जैसे इसका मजाक उड़ा रही हूँ। वो जानबूझकर इसके ड्रेस पर ड्रिंक फेंक देती हैं। ये सब चिन ऊपर खड़ा देख लेता है। फिर वो नीचे आता है। चिन इसके हाथ पे किस करता है। फिर दोनों डांस स्टार्ट करते हैं। वहीं हो भी आता है जो इन दोनों का डांस देखता है। वो सूफी से कहता है तुम अमीर लोगों का मजाक बन रही हो। इतनी देर में इसके पास हो आता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सूफी बहुत अच्छा डांस करती है। फिर चिन और हो के बीच डांस होता है। हो चिन से कहता है कि हम दोनों डांस की पूजा करते हैं, हम अलग नहीं हैं, तुम कल मुझसे मिलना। नेक्स्ट डे चिन अपनी टीम के साथ हो के पास गैराज में आ जाता है। चिन इनसे कहता है कि हम सबके पास अलग अलग स्किल्स हैं, क्यों ना हम एक टीम बन जाएं। ऐसे चिन और हो की टीम एक हो जाती है और वो इस टीम का नाम हेवन रखते हैं। दूसरी तरफ सब अपनी अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। इधर चिन सूफी को डांस की प्रैक्टिस करवाता है ताकि वो टीम में अच्छा परफॉर्म करे। चिन टीम का लीडर होता है। लीडर होने के नाते वो सबको नए शूज लाके देता है। चिन हो को भी देता है। वो शूज और अपना बैग लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ डांस कंपटीशन स्टार्ट होता है। हेवन टीम परफॉर्म करती है। हो का भाई जो भी इनका डांस देखता है। इसके बाद ब्लैक टाइगर टीम परफॉर्म करती है और ब्लैक टाइगर टीम जीत जाती है जो आगे फाइनल में परफॉर्म करेगी। और हेवन टीम ये देखकर थोड़ा सैड होती है क्योंकि उन्होंने काफी प्रैक्टिस की थी। ब्लैक टाइगर टीम का लीडर चिन को कहता है लूजर हमेशा हारता है। वही सूफी रोती है। चिन उसे चुप करवाता है और हो ये खड़ा देख लेता है। उसे ये देखकर थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि अगर मैं इस दुनिया में ना रहा मेरी बहन को संभालने के लिए कोई है। हो कहता है कि हमने काफी एफर्ट की थी लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ। वही एक लड़की कहती है कि हमारी डांस वीडियो को नेट पर काफी मिलियंस में व्यू आए हैं और वो कहते हैं क्यों ना हम ऑनलाइन डांस करें और हम ऑनलाइन डांस करके फंटोम को चैलेंज करेंगे और ऐसे वो हमें नोटिस करेगा। ऑनलाइन डांस करके ये फाइनल में जा सकते हैं। यहाँ जो आकर हो से कहता है तुमने बहुत कमाल का डांस किया था। फिर ये सारे ऑनलाइन डांस करते हैं और नेट पर इनकी धूम मच जाती है। इनकी वीडियो को 3 लाख व्यूज मिलते हैं। इधर हो जो को बताता है कि हेवन खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि अब हम कभी नहीं जीत सकते।
नेक्स्ट गुफी बताती है कि जो के पास कुछ लोग आए थे, इसके फेस पर निशान बना था। हो को पता चल जाता है कि वो लोग कौन थे। वो भागकर गैराज आता है। इसके पीछे सारी टीम के लोग भी भागते हैं। जो और इन लोगों के बीच फाइट होती है। एक आदमी जो की लेग पर ब्लेड से इसकी लेग काट देता है, जिससे इसकी कंडीशन काफी खराब होती है, जिससे ब्लड निकलता है। ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से जो मरने के करीब होता है और वो हो से कहता है कि तुम इसका बदला नहीं लोगे, जो कुछ भी बुरा हुआ है इसे अब दोबारा मत दोहराना, मेरे साथ इसे दफन कर देना। वो कहता है कि हेवन टीम तुम कभी हार मत मानना। ये बात कहकर जो की डेथ हो जाती है। फिर सारे जो की फोटो पर इसके लिए प्रेयर करते हैं। फिर फैंटोम हेवन टीम को फाइनल में डांस परफॉर्म करने के लिए कहता है, क्योंकि हेवन टीम ने फैंटोम को ऑनलाइन चैलेंज किया था। उधर जिन हो को बताता है कि हम फैंटोम से लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ एक जज मीटियो टॉक करती है और कहती है कि नेट पर धूम मचाने वाली हेवन टीम को हमने फाइनल में बुलाया है। डांस कम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। इधर ब्लैक टाइगर टीम का लीडर एक प्लान बनाता है। जब हेवन टीम स्टेज पर डांस करने के लिए आएगी, इनके दो मेन डांसर जिन और हेवन को किसी भी तरह गायब करना है। और ऐसा ही होता है। एक लड़की चिन और हो को बुलाने के लिए आती है और इनसे कहती है कोई आपसे मिलना चाहता है। जब दोनों ये वहाँ जाते हैं तो कुछ लड़के इन पर अटैक करते हैं। वहाँ इनकी आपस में काफी फाइट होती है। इधर स्टेज पर इनकी टीम लेट हो जाती है और जज लोगों का ख्याल होता है कि टीम परफॉर्म नहीं करेगी। बाकी सारी टीम परफॉर्म कर चुकी होती है, लेकिन हेवन टीम आ जाती है और बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरी तरफ चिन का फादर भी अपने ऑफिस में बैठा इनका डांस देख रहा होता है, लेकिन यहाँ फिर इनको चीटिंग करके हरा दिया जाता है। और लग भी ऐसा रहा था कि जज लोग भी नहीं चाहते थे हेवन टीम फाइनल में विन करे, लेकिन फिर ये पता चलता है कि फाइनल इक्वल रहा है। ये सब बहुत खुश होते हैं। दोनों टीम एक दूसरे को मिलती है और इनके बीच जितनी भी नाराजगी और फाइट वाले एलिमेंट थे वो सारे खत्म हो जाते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।